मेथिका वात शामनी श्लेष मेघना ज्वरनाशिनी तथा स्वल्प गुणा वन्य वाजिनाम सातु पूजिता। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप जैन आपका स्वागत करता हूं स्वस्थ मंथन चैनल में। जैसा कि आपने इस दोहे में देखा कि हम मेथी के बारे में बात कर रहे हैं, मेथी की उपयोगिता हमारे जीवन में मसाले के रूप में है। तरह तरह के मसालों में हर प्रदेशों में, भारत के हर प्रदेशों में भिन्न भिन्न मसालों के रूप में और भिन्न भिन्न चीज़ों में इसको डालकर खाया जाता है। ये बहुत ही स्वादिष्ट, सुपाच्य, वात और कफ को नष्ट करने वाली होती है। इसके औषधि में बहुत प्रयोग होते हैं। ये आपके किचन में भी मौजूद है। इसकी जानकारी नहीं होने के कारण इसका हम सही से उपयोग नहीं कर पा रहे। ये एक दवा के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही भोजन को स्वादिष्ट बनाती है, साथ ही हमें स्वास्थ्य लाभ भी देती है। इस दोहे में देखा कि इसमें वात को और कफ को मिटाने वाली माता जैसी पूजनी बताया गया है, तो आप खुद जान सकते हैं औषधि के रूप में इसका कितना महत्व होगा। आज हम जानेंगे मेथी के बारे में, उसका हम औषधि के रूप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा हमारी दादी नानी मेथी का प्रयोग करती आई हैं, तो आज हम जानेंगे मेथी के गुण के बारे में, इसकी प्रकृति के बारे में और इसके औषधि लाभ के बारे में। मेथी का बाहरी और आंतरिक प्रयोग दोनों किया जाता है। ये भी हमारा जानना जरूरी है कि मेथी हमारे शरीर पर कैसे कार्य करती है। ये कफ रोधी है, वात रोगी है। मेथी को बाहरी रूप से जिस स्थान पर भी अगर दर्द हो लगाया जाए तो वहां पर वात और कफ रोधी कोशिकाओं का सृजन होने लगता है और जो वात कफ वाली कोशिकाएं हैं वहां से हट जाती हैं। तो दोस्तों, कुछ प्रयोग हम इसके मेथी के जानते हैं जो आपको जीवन में स्वास्थ्य लाभ देंगे। इसके मैं आज चार प्रयोग बताऊंगा। बलगम आना, बूंद बूंद पेशाब आना, दस्त और आम आना, अनिंद्रा। बलगम के लिए इसका प्रयोग है। इसमें आपको खांसी, जुकाम, कब्ज, ये तीनों ठीक होगी इस फार्मूले से। आपको मेथी लेना है 10 ग्राम, काली मिर्च 15 ग्राम, शकर का बूरा 50 ग्राम और बादाम की गिरी 10। सभी को पीस कर पाउडर बना लें और रात को सोते समय एक चम्मच दूध के साथ इसको खाएं। आपको इसमें कब्ज में, गैस में, कफ में और अनिंद्रा, आपको अगर नींद नहीं आती हो, इन तीनों चारों में लाभ होगा। नंबर दो, अगर किसी को बार बार पेशाब आती हो तो उसके लिए यह प्रयोग बहुत ही अच्छा है। मेथी एक चम्मच और एक चम्मच शहद, दोनों को इसमें आपको मेथी का पाउडर लेना है। एक चम्मच मेथी का पाउडर इस तरह पाउडर बना लें आप मिक्सी में पीसकर। एक चम्मच लेना आपको और एक चम्मच शहद में मिला लें और रात को सोते समय पानी से या दूध से लें, इसमें भी आपको बहुत लाभ होगा। नंबर तीन, मेथी पाउडर आपको लेना है 2 चम्मच। अगर दस्त लग गए हो, आव आती हो तो इसके प्रयोग से ये ठीक होगी। 2 चम्मच आपको मेथी का पाउडर लेना है और 1 कप दही लेना है। दोनों को मिक्स करके दिन में 2 बार लीजिए, कभी भी ले सकते हैं आप। इससे आपकी आव आना और दस्त बंद होंगे, दस्त बंद हो जाएंगे और आव आना बंद हो जाएगी। दस्त तो तुरंत बंद होंगे और आम 1-2 रोज में इसका लाभ जरूर मिलेगा। नंबर चार, जिसको नींद नहीं आती हो, करवटें बदलते रहते हो, बहुत ही सरल सा ये उपाय है। मेथी दाने का तकिया बनाए 1 इंच मोटा लगभग और उसको सिरहाने लगाकर सोएं। इससे आपको नींद अच्छी आएगी और बेफिक्र होकर
सोएंगे आप। तो ये आज की जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से जानते हैं, पहले से वीडियो देखते आए हैं, वो लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।